Hi guys, this is Shubham and you are watching Instant Alert. Guys, we have notification for a bank job, so the setback last time was this video till the end. So guys, जो आज की वैकेंसी आ रही है वो है फेडरल बैंक की तरफ से, जो रिक्रूटमेंट होगी वो होगी क्लर्क एंड ऑफिसर शॉप के लिए। यहाँ पर जो आपका फॉर्म टाइप रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन, एंड जो आपकी लास्ट डेट दी गई इस पर्टिकुलर फॉर्म को अप्लाई करने की वो है 4th of September 2017। टोटल नंबर वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा ऑल ओवर इंडिया। जॉब कैटेगरी रहेगी आपकी बैंक जॉब्स, एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बैचलर्स की प्लस मास्टर्स की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें वैकेंसीज की डिटेल में तो यहाँ पर जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं की गई है, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी वेट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर क्लर्क के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स की दी गई है, ऑफिसर्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर्स की दी गई है। एज लिमिट जो होगी वो होगी एज ऑन 1st of July 2017। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल में तो यहाँ पर जो क्लर्क के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है वहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस साइड से विद मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 50% मार्क्स, और साथ में ही आपके पास होनी चाहिए 10+2 की डिग्री, दोनों में ही आपके 10th में भी और प्लस 12th में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बात करें ऑफिसर्स पोस्ट के लिए तो यहाँ पर जो ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी भी स्ट्रीम से विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, और साथ ही मिनिमम 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th में भी मांगा गया है। तो गाइस बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ पर क्लर्क के लिए जनरल एंड अदर्स के लिए यहाँ पर 500 रहेगा, एससी एंड एसटी के लिए यहाँ पर 250 रहेगा। जनरल एंड अदर्स के लिए बात करें ऑफिसर्स में तो यहाँ पर 700 रहेगा, ऑफिसर्स में अगर एस सी एस टी की बात करें तो यहाँ पर 350 रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो आपका तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। सो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।